Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory, in which today we will discuss about the reflection and refraction of the electromagnetic wave at the boundary of two media. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है. विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का यह हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम दो माध्यमों की सीमा पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे. सो इन द करंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट and then the reflection and refraction of electromagnetic wave at the boundary of two media. तो सबसे पहले परावर्तन एवं अपवर्तन की kinematic and dynamic properties. So kinematic and dynamic properties of reflection and refraction. तो अपवर्तन एवं परावर्तन की काइनेमेटिक तथा डायनेमिक प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज. अब काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी लोगे? व्हेन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया देन. जब समतल विद्युत चुंबकीय तरंग दो माध्यमों की सीमा पर आपतित होती है तो the frequency of the wave remains unchanged by reflection or refraction. तो अपवर्तन या परावर्तन के कारण आपतित तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है. means जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव की थी वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव की होगी. तो आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा अपवर्तित तरंग तीनों की आवृत्तियां समान होंगी, फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा. द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन but normal to the boundary of the surface. आपतित तरंग, परावर्तित तरंग एवं अपवर्तित तरंग तीनों एक ही तल में होती हैं, परंतु ये सभी तरंग माध्यम की सीमा की सतह के अभिलंब होती है. so incident wave, reflected wave and refracted wave all lie in the same plane. आपतित तरंग, परावर्तित तरंग एवं अपवर्तित तरंग तीनों एक ही तल में होंगी, परंतु ये सीमा की सतह के अभिलंब होंगे. In reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होगा. एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया. अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है. सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. नाउ नेक्स्ट वन इज डायनेमिक प्रॉपर्टीज. अब डायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी?
intensities of reflected and refracted waves. परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों की तीव्रताएं एंड द फेज चेंजेस कला में परिवर्तन ऑल्सो द पोलराइजेशन ऑफ वेव्स साथ ही तरंगों का ध्रुवण सो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव द फेज चेंजेस एंड द पोलराइजेशन ऑफ वेव्स आर डायनेमिक प्रॉपर्टीज. तो ये तीनों हमारी डायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं. नाउ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. तो दो माध्यमों की सीमा पर विद्युत चुंबकीय तरंग का अपवर्तन तथा परावर्तन. सो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो मीडियम की बाउंड्री पर आती है तो रिफ्लेक्शन के लिए एंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होंगी उनको हमको यहां पर डिस्कस करना है. सो द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. तो दो माध्यमों की सीमा पर परावर्तन तथा अपवर्तन एंड ऑल्सो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. दो माध्यमों की सीमा पर तरंगों का परावर्तन तथा पारगमन. तो आप चाहे रिफ्लेक्शन बोलो चाहे ट्रांसमिशन बोलो मीन्स अपवर्तन बोलो चाहे पारगमन बोलो दोनों हमारे सेम हैं. लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी. माना एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश E equal to E naught exponential minus j omega t minus k dot r. Here k is propagation constant or wave vector. यहां k संचरण नियतांक या तरंग सदिश है and omega is frequency of electromagnetic wave तथा omega विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है एंड जे इज एन ऑपरेटर हुज वैल्यू इज अंडर रूट माइनस वन. तो जे एक संकारक है जिसका मान रूट माइनस वन होता है एंड ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा ई नॉट विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम है या अधिकतम मान है. नाउ बाउंड्री कंडीशंस. तो बाउंड्री कंडीशन या सीमा प्रतिबंध क्या होंगे. द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री. सीमा के परितः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्श रेखीय घटक सतत होता है. तो अगर बाउंड्री के अक्रॉस लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो स्पर्श रेखीय घटक है उसका मान परिवर्तित नहीं होता है या वो हमारा सतत होता है. नाउ ये हमने एक डायग्राम दिखाया है. यहां पर इंसिडेंट वेव है ये आपतित तरंग एंड इसका जो वेव वेक्टर है ये तरंग सदिश है वो के आई. एक मीडियम हमारा ये है दूसरा मीडियम ये है. सो दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम. यह प्रथम माध्यम ये द्वितीय माध्यम. द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम वन इज म्यू वन एंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम वन इज इप्सिलॉन वन. तो प्रथम माध्यम की चुंबकनशीलता म्यू वन एवं विद्युतशीलता इप्सिलॉन वन है वेयर एज द परमिटिविटी ऑफ सेकेंड मीडियम इज इप्सिलॉन टू एंड परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड मीडियम इज म्यू टू. तथा द्वितीय माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन टू जबकि चुंबकनशीलता म्यू टू है. सो यहां से कोई वेव इस बाउंड्री पर आ रही है
और ये जो वेव है इंसिडेंट वेव, इसका वेव वेक्टर के आई है. सो एन इंसिडेंट वेव हैविंग वेव वेक्टर के आई इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, एक विद्युत चुंबक की तरंग दोनों माध्यमों की सीमा पर आपतित है, इसका तरंग सदिश के आई है, आपतन कोण और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा आई. दिस वेव इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड बाय द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड बाय इट. यह तरंग इस सीमा से, जो दोनों माध्यमों की सीमा है, तो यह तरंग दोनों माध्यमों की सीमा पर आंशिक रूप से परावर्तित होती है तथा आंशिक पारगमित होती है. सो जो रिफ्लेक्टेड वेव है या परावर्तित तरंग है, उसका वेव वेक्टर या तरंग सदिश के आर, एंड जो वेव हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट होती है, उसका वेव वेक्टर के टी. तो अपवर्तित तरंग या पारगमित तरंग का तरंग सदिश के टी है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा आर, वेयर एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज और द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन इज थीटा टी. तो इस तरंग का परावर्तन कोण थीटा आर है, जबकि पारगमन कोण या अपवर्तन कोण थीटा टी है. लेट अ प्लेन इंटरफेस एट जेड, दैट इज एक्स वाई प्लेन, सेपरेटिंग टू होमोजीनियस मीडिया. माना एक तल एक्स वाई दोनों समांगी माध्यमों को पृथक करता है. तो एक्स वाई प्लेन दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, दोनों माध्यमों को पृथक करता है. लेट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेव वेक्टर के आई एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई बी इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम फर्स्ट एट पॉइंट ओ ऑफ द इंटरफेस. माना एक समतल विद्युत चुंबक की तरंग, जिसका तरंग सदिश के आई है तथा आवृत्ति ओमेगा आई है, प्रथम माध्यम पर दोनों माध्यमों की सीमा के बिंदु ओ पर आपतित होती है. सो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई है, रिफ्लेक्टेड वेव की या परावर्तित तरंग की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ओमेगा आर मानते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी लेते हैं. नाउ ये हमारा डायग्राम था, वेव हमारी यहां से आ रही थी, इसका वेव वेक्टर हमने के आई माना है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण थीटा आई, पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली ट्रांसमिशन ये रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो आंशिक परावर्तन जबकि आंशिक अपवर्तन या पारगमन होता है. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा आर, परावर्तन कोण थीटा आर, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ ट्रांसमिशन अपवर्तन कोण या पारगमन कोण थीटा टी है. इसका वेव वेक्टर के आर और इसका वेव वेक्टर के टी है. लेट द वेव बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड बाय द इंटरफेस. माना दोनों माध्यमों की सीमा द्वारा या दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल द्वारा तरंग आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती है. ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, सीमांत प्रतिबंध लगाने पर, तो बाउंड्री कंडीशन मैंने बताई थी कि बाउंड्री के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट या विद्युत क्षेत्र सदिश का स्पर्श रेखीय घटक सतत होता है, कंटिन्यूस होता है. सो ई आई टेंजेंशियल
plus ER tangential is equal to ET tangential. आपतित तरंग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्शरेखीय घटक प्लस परावर्तित तरंग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्शरेखीय घटक इज इक्वल टू पारगमित तरंग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्शरेखीय घटक है. तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड दोनों वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट हम ऐड कर देंगे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा. सो ई आई एट एक्स प्लस ई आर एट एक्स इज इक्वल टू ई टी एट एक्स. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब एक्स डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट लेंगे हम. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E equal to E naught exponential minus j omega t minus k dot r ली थी. So, अगर हम इस equation को incident wave, reflected wave and transmitted wave के लिए apply करें तो क्या होगा? So, E naught I of x means इसका x component exponential minus j omega I t माइनस के आई डॉट आर, क्योंकि इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर के आई है, ये आपतित तरंग का तरंग सदिश के आई है एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो हमारी ओमेगा आई है. अब इसके लिए लिखोगे प्लस ई नॉट आर अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा आर टी माइनस के आर डॉट आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव का वेव वेक्टर या परावर्तित तरंग का तरंग सदिश के आर एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आवृत्ति है वो हमारी ओमेगा आर. अब इसके लिए लिखो तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट टी अलोंग एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी टी माइनस के टी डॉट आर. सो रिफ्लेक्टेड वेव ये ट्रांसमिटेड वेव का वेव वेक्टर kt है, सो kt डॉट आर और इसकी फ्रीक्वेंसी ये आवृत्ति ओमेगा t, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली इफ द टाइम एंड स्पेस वेरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द फेजेस आर सेपरेटली इक्वल. यह समीकरण केवल तभी संतुष्ट होगी जब इनकी कलाओं के समय तथा आकाश परिवर्तित निर्देशांक पृथक रूप से बराबर हो. तो टाइम वेरिंग कंपोनेंट एंड स्पेस वेरिंग कंपोनेंट अर्थात समय आधारित घटक एवं आकाश आधारित घटक दोनों पृथक रूप से अगर बराबर है तो उस केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. On equating the time-varying component, समय आधारित घटक को बराबर करने पर तो आप time-varying component लोगे तो वो क्या आएगा? Omega I t is equal to omega R t is equal to omega t t. तो time-varying component हमने लिया है, ये समय आधारित घटक लिया है, so omega I t is equal to omega R t is equal to omega t t. अब तीनों से टी कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी. इसका मतलब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव आपतित तरंग परावर्तित तरंग तथा पारगमित तरंग तीनों की आवृत्तियां समान होती है. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द थ्री वेव्स आर इक्वल. Now, omega I is equal to omega R equal to omega T निकाला है. So, all the three waves have the same frequency. तो तीनों तरंगे समान आवृत्ति की होंगी. Now, यह हमारा डायग्राम था.
और ये हमने इक्वेशन निकाली थी। तो अभी हमने टाइम वेरिंग कंपोनेंट लिया था, अब हम स्पेस वेरिंग कंपोनेंट लेते हैं या आकाश आधारित घटक लेते हैं। स्पेस वेरिंग कंपोनेंट का मतलब आर वाली टर्म्स हमको लेनी है या स्पेस कोऑर्डिनेट वाली टर्म को हमको लेना है। सो ऑन इक्वेटिंग द स्पेस वेरिंग कंपोनेंट, आकाश आधारित घटक को बराबर करने पर, सो के आई डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो इफ इक्वल टू के आर डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो इफ इक्वल टू के टी डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये हमारा जेड इक्वल टू जीरो है। तो जेड इक्वल टू जीरो पर हम तीनों को ले रहे हैं, सो के आई डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो, के आर डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो इफ इक्वल टू के टी डॉट आर एट जेड इक्वल टू जीरो। सो के आई एक्स इंटू एक्स प्लस के आई वाई इंटू वाई, तो हमने इसके लिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट में चेंज कर दिया है। सो के आई एक्स इंटू एक्स प्लस के आई वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको लोगे तो के आर एक्स इंटू एक्स प्लस के आर वाई इंटू वाई, और इसके लिए लोगे सो इज इक्वल टू के टी एक्स इंटू एक्स प्लस के टी वाई इंटू वाई। सो के आई एक्स इंटू एक्स प्लस के आई वाई इंटू वाई, इसके लिए हमने लिया के आर एक्स इंटू एक्स प्लस के आर वाई इंटू वाई, और इसके लिए लेंगे सो के टी एक्स इंटू एक्स प्लस के टी वाई इंटू वाई। नाउ एक्स वाला पार्ट अलग कर दो, वाई वाला पार्ट अलग कर दो। सो एक्स वाला पार्ट अलग करोगे सो के आई एक्स एक्स इज इक्वल टू के आर एक्स एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स एक्स, तो एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा। सो के आई एक्स इज इक्वल टू के आर एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स। इसी टाइप से y वाला कोफिशियंट अगर लोगे या y वाले गुणांकों की तुलना करेंगे तो वो क्या आएगा, के आई वाई इज इक्वल टू के आर वाई इज इक्वल टू के टी वाई। सिंस द वेव इज इंसिडेंट इन xz प्लेन, सो के आई वाई इक्वल टू जीरो, तो तरंग xz तल पर आपतित है, इसलिए के आई वाई का मान शून्य होगा। सो के आई वाई को जीरो कर दो, तो जैसे आप इसको जीरो करोगे के टी वाई इज इक्वल टू के आर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो होते ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं। सो के आर वाई इज इक्वल टू के टी वाई इक्वल टू जीरो, तो चूंकि तरंग xz तल में आपतित है इसलिए के आई वाई इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन से के आर वाई इज इक्वल टू के टी वाई इक्वल टू जीरो। दस के आर एंड के टी ऑल्सो लाई इन xz प्लेन, इस प्रकार के आर तथा के टी भी xz तल में स्थित होगा, तो आपका के आई xz तल में है या के आई xz प्लेन में है, इसलिए के आर एंड के टी भी हमारा xz प्लेन में होगा। नाउ ये हमारा डायग्राम, लेट n कैप बी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इंटरफेस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम मीडियम 1 टू 2। माना माध्यमों की सीमा के लंबवत एकांक सदिश n कैप है तथा यह माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर इंगित है, तो इसकी जो डायरेक्शन है मीडियम 1 से सेकंड की तरफ है, और ये जो यूनिट वेक्टर है n कैप ये दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है प्लेन, ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो तल है उसके अभिलंब है। दस
n cap is along the z axis, अतः n cap z अक्ष के लंबवत होगा. So all the three wave vectors ki, kr, kt and normal to the interface, that is n cap, lie in the same plane. इसलिए तीनों तरंग सदिश ki, kr, kt तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के अभिलंब सदिश अर्थात n cap सभी एक ही तल में स्थित होते हैं. So ki, kr, kt and n cap all lie in the same plane. तो ki, kr, kt तथा n cap सभी एक ही तल में स्थित होंगे. It means the incident wave, reflected wave, and normal to the interface all lie in the same plane. अतः आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं. तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. यह अपवर्तन तथा परावर्तन का प्रथम नियम है. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं. सो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करोगे या परावर्तन का नियम लेंगे तो उसका फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं. एंड अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लोगे तो वो क्या देगा, द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं. नाउ फॉर इंसिडेंट वेव, आपतित तरंग के लिए ki.r इज इक्वल टू ki x sin थीटा i प्लस z cos थीटा i, क्योंकि xz प्लेन के बात कर रहे हैं. सो ki.r क्या हो जाएगा, ki x sin थीटा i प्लस z cos थीटा i. फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्तित तरंग के लिए kr.r इज इक्वल टू kr इंटू एक्स साइन थीटा आर प्लस जेड कॉस थीटा आर. एंड फॉर ट्रांसमिटेड वेव, सो पारगमित तरंग के लिए या अपवर्तित तरंग के लिए के टी डॉट आर इज इक्वल टू के टी एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कॉस थीटा टी. So, ki.r की वैल्यू हमने ये निकाली है, kr.r की वैल्यू ये थी एंड kt.r की वैल्यू हमारी ये थी. नाउ ki.r एट z इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू kr.r एट z इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू kt.r एट z इक्वल टू जीरो था. तो हम क्या करते हैं, ki.r की जगह ये, kr.r की जगह ये एंड kt.r की जगह ये लिख देते हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ki एंड इन ब्रैकेट x sin थीटा i प्लस z cos थीटा i इज इक्वल टू kr x sin थीटा r प्लस z cos थीटा r इज इक्वल टू kt x sin थीटा t प्लस जेड कॉस थीटा टी. तो हमने
इन तीनों की वैल्यू यहां पर रख दी है तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। नाउ बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तो अगर आप एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे या एक्स के गुणांकों को बराबर करोगे तो वो क्या होगा, के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के आर साइन थीटा आर इज इक्वल टू के टी साइन थीटा टी। सो हमने तीनों से एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया है, सो के आई साइन थीटा आई इक्वल टू के आर साइन थीटा आर इक्वल टू के टी साइन थीटा टी। नाउ पहले हम इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं, सो के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के आर साइन थीटा आर एंड के हमारा वेव वेक्टर है जिसकी वैल्यू ओमेगा अपॉन वी होती है। सो अगर आप के आई निकालोगे सो ओमेगा आई अपॉन वी आई, के आर लोगे देन ओमेगा आर अपॉन वी आर। सो ओमेगा आई अपॉन वी आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन वी आर साइन थीटा आर, बट ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा टी था, तो तीनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम थी या तीनों तरंगों की आवृत्तियां समान थी, इसलिए ओमेगा आई एंड ओमेगा आर हमारा बराबर है। तो जैसे ही आप इसको भी ओमेगा आर रखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एंड ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, वन अपॉन वी आई साइन थीटा आई इक्वल टू वन अपॉन वी आर साइन थीटा आर। ये वी आई एंड वी आर आर द वेलोसिटीज ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। यहां वी आई तथा वी आर क्रमशः आपतित तरंग एवं परावर्तित तरंग के वेग हैं, एंड सिंस इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव लाई इन द सेम मीडियम सो वी आई इक्वल टू वी आर। चूंकि आपतित तरंग तथा परावर्तित तरंग दोनों एक ही माध्यम में हैं, इसलिए इनके वेग बराबर होंगे, इनकी वेलोसिटी सेम होंगी, सो वी आई इक्वल टू वी आर। अब वी आई इक्वल टू वी आर है एंड ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आर है, इसका मतलब ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, सो साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर, सो साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा आर। नाउ साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा आर आया है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेते हैं, सो थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है एंड इट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तथा यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। Thus, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. इस प्रकार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान है। This is the second law of reflection. यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। Now, हमारी ये क्वेश्चन थी। So, for reflection, अपवर्तन के लिए या पारगमन के लिए, तो आपने रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों टर्म ली थी, अब रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन के लिए हम के आई साइन थीटा आई एंड के टी साइन थीटा टी लेते हैं। सो के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के टी साइन थीटा टी, ये के इज वेव वेक्टर, यहां के तरंग सदिश है एंड इट्स वैल्यू इज के इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, तथा तरंग सदिश के का मान ओमेगा अपॉन वी होता है, तो अगर आपको के आई की वैल्यू निकालनी है तो के आई क्या हो जाएगा ओमेगा आई अपॉन वी आई, के टी क्या हो जाएगा ओमेगा टी अपॉन वी टी, तो आप के आई एंड के टी की वैल्यू रखो तो ये इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा आई अपॉन वी आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा टी अपॉन वी टी साइन थीटा टी।
but omega I equal to omega R equal to omega T. तो ओमेगा आई एंड ओमेगा टी इक्वल है तो इसलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वन अपॉन वी आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू वन अपॉन वी टी साइन थीटा टी. सो वन अपॉन वी आई साइन थीटा आई इक्वल टू वन अपॉन वी टी साइन थीटा टी. और यहां से अगर आप साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी निकालोगे तो वो क्या होगा, तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टी. और इसको हम क्या लिख देते हैं, सी अपॉन वी टी डिवाइडेड बाय सी अपॉन वी आई. और सी अपॉन वी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ये अपवर्तनांक होता है. सो एन इक्वल टू सी अपॉन वी. Here n is refractive index of medium. तो n का मान c upon v होता है. यहां n माध्यम का अपवर्तनांक है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर हम म्यू परमेबिलिटी के लिए लेते हैं या चुंबकनशीलता के लिए लेते हैं, इसलिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारा n होगा, इसको n2 लिख देंगे. एंड c upon vi is the refractive index of first medium, जिसको हम n1 लिखेंगे. So, ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक और ये द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, तो ये n1 और ये n2. So, sin theta I upon sin theta t is equal to n2 upon n1. And this is actually the Snell's law. यही हमारा Snell का नियम है. Thus, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the inverse ratio of the refractive indices of the two media. इस प्रकार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है तथा इसका मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है. And this is known as Snell's law of refraction. तथा यही अपवर्तन के लिए Snell का नियम है. So Snell's law के according mu equal to sine I upon sine R होता है. यहाँ पर mu की जगह n2 upon n1 है. And I की जगह theta I and R की जगह theta T है. So sine theta I upon sine theta T is equal to n2 upon n1. And this is Snell's law of refraction. तथा यही अपवर्तन के लिए Snell का नियम है. So, here we end our session. In the current session, we have discussed about the reflection and refraction of the electromagnetic wave at the boundary of two media. So, goodbye.